उसमें एक चीज क्या है, फैटनेस, मोटापा। तो मोटापा अगर एक इंसान में है तो ही हैज अ टेंडेंसी टू बी लेजी, टेंडेंसी, उसको अपनी बॉडी मूव करने में टाइम लगेगा, तो वी शुड ट्राई टू ओवरकम इट। उसी तरह एक और प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग। एक इंसान खाने जब बैठता है तो इतना खा ले, ओवर ईटिंग करे, तो उसके बाद में एक्टिविटी करने की उसकी जो क्षमता, जो ताकत, जो एबिलिटी है वो काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ओवर ईटिंग की वजह से लेजीनेस पैदा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम ओवर ईटिंग के दलदल में ना पड़े। और आपको पता है ईटिंग के ताल्लुक से बात यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फइन कानत ला महालता, अगर खाना ही है, फसुलुसु लिताम ही, वन थर्ड खाने के लिए, वसुलुसु लिशराबी ही, वन थर्ड पानी के लिए, वसुलुसु लिनफखी ही, एक तिहाई हवा के लिए। हाँ, एक तिहाई हवा के लिए, वी शुड फॉलो दिस रूल, एक तिहाई खाना, एक तिहाई पानी, एक तिहाई हवा। यानी कि आदमी लोग कहते हैं मैं तो जितना था फुल खा चुका हूँ, फिर उसके बाद में पानी, फिर उसके बाद में हवा के लिए बर्पिंग, हाँ डकार। तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए, ओवर ईटिंग से हम सबको बचना चाहिए इंशाल्लाह, बिकॉज ये ओवर ईटिंग ड्रैग करती है एक इंसान को सुस्ती की तरफ।